पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एश एम्बरवुड टाउन में आ जाता है, जहां पर एक ट्रेनर उसको चार्जार्ड वैली के बारे में बताता है। वहां पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर्स आते थे और एक दूसरे से कम्पीट करते थे ये जानने के लिए कि किसका चार्जार्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एश के चार्जार्ड के लिए सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि एश के पास भी एक चार्जार्ड था और वो पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड बनना चाहता था। इसके बाद एश एंटर करता है, जहां पर उसको चार टास्क दिए जाते हैं। वो उन टास्क को कम्प्लीट करके चार्जार्ड वैली के अंदर आ जाता है। अब आगे, जैसे ही एश चार्जार्ड वैली के अंदर एंटर करता है, उसको देखने को मिलता है कि वहां पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड थे और साथ में कुछ चार्जार्ड ट्रेनर्स भी। वो ट्रेनर्स एश को वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि फाइनली एक नया ट्रेनर चार्जार्ड वैली में आया, देखते हैं कि तुम किस तरह का कॉम्पिटिशन दे पाती हो, देखने में तो तुम्हारा चार्जार्ड बिल्कुल डिसेंट लग रहा है। एश बोलता है मेरा चार्जार्ड पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड बनना चाहता है और इसीलिए वो यहाँ पर कम्पीट करने आया है। मैंने सुना है कि यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी होते हैं जहाँ पर पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आते हैं और ये मेरे चार्जार्ड के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड बनना चाहता है। वो ट्रेनर्स बोलते हैं जरूर, यहाँ पर काफी सारे टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, बट हाँ याद रखना वहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आते हैं पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड से और उनके सामने तुम्हारा चार्जार्ड का बचना मुश्किल है। एश बोलता है कोई बात नहीं, मुझे अपने चार्जार्ड पर पूरा भरोसा है, वो सबको डिफीट कर देगा, तो टूर्नामेंट कब स्टार्ट होने वाला है? वो ट्रेनर्स बोलते हैं कि काफी टाइम से यहाँ पर कोई भी चार्जार्ड टूर्नामेंट नहीं हुआ है, तो ये सही टाइम है उसको स्टार्ट करने का, बट इसके लिए सारे चार्जार्ड ट्रेनर्स को एग्री करना होगा और काफी सारे ट्रेनर्स अभी के लिए यहाँ पर नहीं है, वो कहीं और गए हुए हैं या फिर अपने होम रीजन में गए हैं। जब वो आ जाएंगे तभी टूर्नामेंट स्टार्ट हो सकता है। एश बोलता है ठीक है, बट क्या तुम लोग बता सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रेनर्स है? वो ट्रेनर्स बोलते हैं कि ये तो एक मिस्ट्री है, तुम्हें टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद ही पता चलने वाला है कि कौन से ट्रेनर्स तुमसे बैटल करने वाले हैं या फिर किसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तब तक के लिए तुम ट्रेनिंग कर सकते हो। एश बोलता है ठीक है और वो सारे 4000 ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। वहां पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग वाइल्ड चार्जार्ड भी थे जो कि इन चार्जार्ड के साथ रहकर ही स्ट्रॉन्ग हो गए थे। एश का चार्जार्ड उनसे बैटल भी करता है और कुछ चार्जार्ड को डिफीट कर देता है, जिससे बाकी सारे ट्रेनर्स इंप्रेस हो जाते हैं। उनको बिलीव हो जाता है कि एश का चार्जार्ड स्ट्रॉन्ग है, बट वो बोलते हैं कि इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए तुम्हारे पास और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड होना चाहिए। अगले दिन सारे ट्रेनर्स एश को बोलते हैं कि सभी ट्रेनर्स ने उस टूर्नामेंट के लिए एग्री कर लिया है और वो यहाँ पर आ रहे हैं, तुम भी रेडी हो जाओ, ये काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। एश बोलता है कि मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। कुछ टाइम बाद सारे ट्रेनर्स वहाँ पे आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद वे एश के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम सबने डिसाइड किया है कि ऑलरेडी हम सबको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर कौन है, जो कि हमने ऑलरेडी एक टूर्नामेंट में फाइंड आउट कर लिया था जो कि पिछले साल हुआ था, इसलिए हम दोबारा टूर्नामेंट नहीं करने वाले। स्टिल हम तुम्हें एक मौका देंगे प्रूफ करने का कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर हो, जहां पर तुम्हें 8 स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर्स को डिफीट करना होगा, एंड अगर तुम इन सभी ट्रेनर्स को डिफीट कर लेते हो तो हम मान जाएंगे कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर हो एंड तुम्हारा चार्जार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। वेल, अगर तुम इनमें से 5 ट्रेनर्स को डिफीट कर पाते हो तो तुम्हारा चार्जार्ड टॉप 4 में रहेगा, अगर तुम 6 ट्रेनर्स को डिफीट कर लेते हो देन तुम्हारा चार्जार्ड टॉप 3 में रहेगा एंड सो ऑन। एश बोलता है ये तो और भी ज्यादा परफेक्ट है, मैं इसके लिए एग्री करता हूँ और इससे मेरे चार्जार्ड का असली टेस्ट होने वाला है, मुझे ऑलमोस्ट सारे ट्रेनर से बैटल करने का मौका मिलने वाला है। वो ट्रेनर्स बोलते हैं ठीक है, फिर ये टूर्नामेंट कल से स्टार्ट होने वाला है। एश चार्जार्ड वैली में काफी ट्रेनिंग करता है अपने चार्जार्ड के साथ और अपने चार्जार्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। अगले दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था। एश को बताया जाता है कि इसकी बैटलफील्ड चार्जार्ड वैली की ही बैटलफील्ड रहेगी, जहां पर काफी सारे वोल्केनो, लावा और माउंटेन्स होने वाले हैं। इसमें चार्जार्ड का असली टेस्ट होगा क्योंकि वो एक फायर टाइप पोकेमॉन, इसमें उसके अटैकिंग पावर्स के साथ साथ उसकी स्ट्रेटेजीज भी टेस्ट होने वाली है कि वो अलग तरह के कंडीशन में कैसे बैटल कर सकता है जो कि चार्जार्ड को फेवर करती है। एश बोलता है मैं बिल्कुल रेडी हूँ। टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहला ट्रेनर एश के सामने आने वाला होता है जो कि था नंबर 8 रैंक चार्जार्ड ट्रेनर। ये चार्जार्ड ट्रेनर एश के सामने आ जाता है, ये बिल्कुल एक न्यू पोकेमॉन ट्रेनर था जिसको एश ने सबसे पहली बार देखा था। वो एश के सामने आ जाता है और बोलता है कि क्या मैं सही हूँ, तुम एश हो? एश बोलता है कि हाँ, बट तुम्हें कैसे पता? वो ट्रेनर बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम चार्ल्स है और मैं यहाँ का नंबर 8 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर हूँ चार्जार्ड के मामले में, एंड मुझे कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स ने डिस्कशन करते हुए तुम्हारे बारे में बताया था, मैं काफी एक्साइटेड हूँ तुमसे बैटल करने के लिए। एश बोलता है मैं भी, तो क्यों ना बैटल स्टार्ट करी जाए? चार्ल्स बोलता है बिल्कुल, पर रेफरी बोलता है कि ये बैटल 1-on-1 होने वाली है जहाँ पर एश का चार्जार्ड बैटल करेगा चार्ल्स के चार्जार्ड से। इस बैटल में कोई भी फेनोमेना का यूज करना अलाउड नहीं है, ये बैटल इसी चार्जार्ड वैली के अंदर होने वाली है। जो भी चार्जार्ड वैली के बाहर जाने की कोशिश करता है उसको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो ये बैटल हार जाएगा। उसको इन्हीं कंडीशन में बैटल करनी है, बाकी इस बैटल में किसी भी मूव का यूज किया जा सकता है। अब बैटल स्टार्ट की जाए। बैटल स्टार्ट होती है, एश और चार्ल्स दोनों ही अपने अपने चार्जार्ड को बाहर निकालते हैं। चार्ल्स का चार्जार्ड भी नॉर्मल लग रहा था। एश और चार्ल्स दोनों ही अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक करने बोलते हैं, दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर एश के चार्जार्ड का फ्लेम थ्रोअर थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है जो कि चार्ल्स के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है। चार्ल्स बोलता है इंप्रेसिव, मैं
फ्लेम थ्रोअर को सामने वाले चार्जार्ड की पावर लेवल चेक करने के लिए यूज करता हूँ। और मुझे लग रहा है कि तुम्हारा चार्जार्ड मुझे काफी अच्छी टक्कर देने वाला है। देखते हैं कि ये मुझे डिफीट कर पाता है या फिर नहीं। अब चार्ल्स अपने चार्जार्ड को फायर ब्लास्ट अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ऐश का चार्जार्ड इस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो यूज करता है ड्रैगन टेल अटैक का। यह अटैक चार्ल्स के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है और वो जमीन पे गिरता है। चार्ल्स बोलता है चार्जार्ड जल्दी से उठ जाओ, बट तभी ऐश का चार्जार्ड विंग अटैक का यूज कर देता है, जिससे चार्ल्स के चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। यानी कि ऐश का चार्जार्ड इस बैटल को स्टार्टिंग में डोमिनेट कर रहा था। ब्रॉक बोलता है कि चार्ल्स का चार्जार्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। इसके बाद चार्ल्स का चार्जार्ड यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का, जिसको काउंटर करने के लिए ऐश का चार्जार्ड ड्रैगन रेज अटैक का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट इस बार सबको सरप्राइज करते हुए चार्ल्स के चार्जार्ड का ड्रैगन पल्स ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि ऐश के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है। मिस्टी और सेना बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ऐश के चार्जार्ड का फ्लेम थ्रोअर तो चार्ल्स के चार्जार्ड के फ्लेम थ्रोअर से ज्यादा पावरफुल था। ब्रॉक बोलता है कि इसके दो पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला ये हो सकता है कि चार्ल्स के चार्जार्ड के ड्रैगन टाइप अटैक ज्यादा पावरफुल उसके फायर टाइप अटैक से, क्योंकि उसने ड्रैगन टाइप अटैक्स की ज्यादा ट्रेनिंग करी होगी। सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि ड्रैगन रेज के मुकाबले ड्रैगन पल्स एक कहीं ज्यादा पावरफुल ड्रैगन टाइप अटैक है, एंड इसीलिए उसने ड्रैगन रेज अटैक को ओवरपावर कर लिया। वरना अगर दोनों ही चार्जार्ड ड्रैगन रेज या फिर ड्रैगन पल्स का यूज करते तो डेफिनेटली ऐश के चार्जार्ड का अटैक भारी पड़ता है। सेना बोलती है कि हाँ, ये बिल्कुल लॉजिकल है। बैटल कंटिन्यू होती है, ऐश अपने चार्जार्ड को ओवरहीट अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर चार्ल्स का चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का। दोबारा से ही दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट इस बार ऐश के चार्जार्ड का ओवरहीट ज्यादा पावरफुल था, जो कि चार्ल्स के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है और चार्ल्स का चार्जार्ड जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड यही मौका है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस बैटल को यहीं पर एंड कर देते हैं। अपने सिग्नेचर मूव साइज्मिक टॉस का यूज करो। चार्ल्स बोलता है कि चार्जार्ड तुम्हें इस अटैक को डॉज करना होगा। चार्ल्स का चार्जार्ड इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट किसी तरह से ऐश का चार्जार्ड उसको पकड़ लेता है और आसमान में लेके जाकर उसको गोल गोल घुमा के जमीन पर फेंक देता है, जिससे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। चार्ल्स बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक फाइटिंग टाइप अटैक है, वहीं पर चार्जार्ड एक फायर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन होता है जिसके ऊपर फ्लाइंग टाइप वीक है। पर जब धुआं हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि चार्ल्स का चार्जार्ड हार चुका है, जिससे चार्ल्स पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सेना काफी खुश होते हैं। ऐश अपने चार्जार्ड को गले लगा लेता है। ब्रॉक, मिस्टी और सेना बोलते हैं कि हमें नहीं लगा था कि तुम पहली बैटल इतना ज्यादा इजीली जीतने वाले हो, पर मानना पड़ेगा तुम्हारा चार्जार्ड सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऐश बोलता है कि मुझे अपने चार्जार्ड के ऊपर शुरू से ही भरोसा था कि वो मुझे ये बैटल जिता देगा। तभी चार्ल्स ऐश के पास आता है और वो उससे हाथ मिलाता है। वो बोलता है कि सैडली अब मैं एक रैंक नीचे जा चुका हूँ, यानी कि अब मैं टॉप 9 चार्जार्ड ट्रेनर्स में हूँ एंड तुम टॉप 8 में आ चुके हो। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड तुम डिजर्व भी करते हो, तुमने काफी अच्छी बैटल करी है।